डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिस्मथ कैडमियम का यू टैक्टिक सिस्टम। हम ये देखेंगे कि बिस्मथ और कैडमियम कैसे एक यू टैक्टिक मिक्सचर बना सकता है, यानी कौन सी कंपोजिशन में ये यू टैक्टिक सिस्टम बना सकता है। और यू टैक्टिक का मतलब रहता है वो मिक्सचर जहां पे सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट यानी एमपी लोवेस्ट हो जाए, लोवेस्ट, ठीक है, या मैं बोलूंगा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम बोलते हैं यू टैक्टिक सिस्टम को, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बिस्मथ और कैडमियम ले लूं, कैडमियम इनको अगर मैं मेल्ट कर दूं, क्या कर दूं, मेल्ट, या मैं फ्यूज कर दूं, फ्यूज मीन्स मेल्ट, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये आपस में मिसिबल है, क्या है ये, मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। लेकिन अगर मैं यही मेल्ट सॉलिडिफाई करूं, क्या करूं, सॉलिडिफाई, तो सॉलिडिफाई में बिस्मथ अलग बनाएगा अपने क्रिस्टल्स और कैडमियम अलग क्रिस्टल्स बनाएगा, यानी सॉलिड स्टेट में ना बिस्मथ और ना ही कैडमियम आपस में मिक्स होते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सॉलिड स्टेट में ये आपस में नहीं मिलते, ये आपस में मिसिबल नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस फेज में, यानी सॉलिड फेज में ये इमिसिबल है, क्या है, इमिसिबल। बात समझ में आ रही है, सॉल्यूशन या मैं वो बोलूंगा फ्यूज्ड या मेल्ट स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिसिबल है, लेकिन जो ही हम इनको सॉलिडिफाई करते हैं ये बिल्कुल इमिसिबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बिस्मथ और कैडमियम का सॉल्यूशन बनाना चाहूं, सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये आपस में नहीं मिलेंगे, क्लियर, बात समझ में आ रही है, शाबाश, यानी सॉलिड स्टेट में ये इमिसिबल है। अब हम इस चीज को समझेंगे इसकी फेज डायग्राम से, कौन सी फेज डायग्राम, कंडेंसड फेज डायग्राम, यू टैक्टिक फेज डायग्राम, क्योंकि यू टैक्टिक सिस्टम ही बनाता है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट नहीं होता, यानी बिस्मथ और कैडमियम आपस में रिएक्ट नहीं होते, सॉलिड स्टेट में आपस में नहीं मिलते, लेकिन जो ही हम इनको मेल्ट करते हैं, लिक्विड बना देते हैं इनका, तो ये आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, शाबाश। तो इसका मतलब जब हम बिस्मथ और कैडमियम का फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो उस फेज डायग्राम में जो फेजेस होंगे हमारे पास में, वो फेजेस कुछ इस तरह आएंगे, एक हमें मिलेगा सॉलिड बिस्मथ, एक फेज, दूसरा फेज हमें मिलेगा यहां पे सॉलिड कैडमियम, ये और एक फेज बनाएगा, ठीक है, तीसरा सीडी बोलूंगा मैं इसको, तीसरा फेज जो है वो होगा मोल्टन, मोल्टन क्या, मोल्टन बिस्मथ कैडमियम दोनों, यानी इनका मोल्टन सॉल्यूशन, समझ में आया ना, सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ एंड कैडमियम, होमोजीनियस मिक्सचर इनका, राइट। तीसरा जो हमारे पास में आएगा वो आएगा वेपर, ठीक, चौथा आएगा वेपर, सॉरी चौथा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सॉलिड बिस्मथ और कैडमियम है, इनका जो वेपर प्रेशर रहता है वो बहुत ही कम रहता है, इन्हें नेग्लिजिबल रहता है। दूसरा, इनके मोल्टन स्टेट का भी वेपर प्रेशर बहुत ही कम रहता है, और यहां पे हम वेपर्स को इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इन्हें यहां पे हम सिर्फ कंडेंसड फेजेस लेंगे, कौन सा, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस लेंगे, यानी सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम देखेंगे हम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देखेंगे, या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम देखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो फिर मैं इसको बोल सकता हूं ये जो बिस्मथ कैडमियम सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कंडेंसड सिस्टम है, क्या, ये कंडेंसड सिस्टम। बात समझ में आ रही है, शाबाश। तो कंडेंसड सिस्टम के लिए जो फेज रूल हम अप्लाई करते हैं, फेज रूल, उस फेज रूल को कहते हैं हम रिड्यूस फेज रूल, क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड फेज रूल,
है ना, क्योंकि हमने पहले ही वेपर का तो हमने कंसेप्ट ही हटा दिया, यानी प्रेशर का जो इफेक्ट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, जो वेपर ही कंसिडर नहीं किया तो प्रेशर का भी इफेक्ट हम नहीं देखेंगे, यानी हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से ही कम कर दी, इसलिए इसमें जो फेज रूल लगेगा वो होगा रिड्यूस्ड फेज रूल। और रिड्यूस्ड फेज रूल क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस वन, यही है ना। शाबाश, तो हम ये वाला फेज रूल यहां पे अप्लाई करेंगे, इतना ध्यान में रखना। अब मैं दिखाता हूं आपको बिस्मथ कैडमियम का फेज डायग्राम। देखो बिस्मथ कैडमियम का जो फेज डायग्राम है उसमें आपको याद रखना है कि बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ वो है 271 डिग्री सेल्सियस, और कैडमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट वो बराबर है 321 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली ये चीज़ दिखा दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में एक फेज डायग्राम या मेरे पास में एक ग्राफ है और मैं इसको ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ पे कैडमियम का क्या असर पड़ेगा और कैडमियम के मेल्टिंग पॉइंट पे बिस्मथ का क्या असर पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब मान लीजिए ये मेल्टिंग पॉइंट है बिस्मथ का, किसका, बिस्मथ का। यहाँ पे याद रखना मैं प्योर बिस्मथ ले रहा हूँ और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 271 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जब मैं प्योर कैडमियम लेता हूँ, कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, शाबाश, 321, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ हायर होगा। तो इससे मुझे पता चलता कि ये जो ले रहा हूँ मैं, ये वाला स्केल ऊपर से नीचे, ये टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से भी टेम्परेचर। ठीक, बात समझ में आ रही ना। और इस स्केल पे लूँगा मैं कंपोजिशन, क्या लूँगा मैं, कंपोजिशन। ठीक है, बात मेरी समझ लेना। पहले मैं बिस्मथ पे नज़र डालूँगा। जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे बिस्मथ जो ये 100% है, कितना 100%। अभी मैंने इसमें कैडमियम कुछ डाला ही नहीं, तो कैडमियम कितना होगा फिर, कैडमियम होगा 0%, राइट। बात मेरी समझ में आ रही है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है 271 डिग्री सेल्सियस, ये बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट है जब बिस्मथ प्योर फॉर्म में होगा, 100% प्योर। ठीक, और यहाँ पे ये कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट है 321 डिग्री सेल्सियस जब कैडमियम प्योर था, यानी 100%, राइट। चलो अब देखो, अगर मैं बिस्मथ के अंदर इम्प्यूरिटी डाल दूँ कैडमियम की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, शाबाश, डिक्रीज ही होता है। चाहे आप कुछ भी डालो, इम्प्यूरिटी डालने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो बिस्मथ का भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हमने सपोज 10% डाला, इतना डिक्रीज हुआ, 20% यहाँ डिक्रीज हुआ, 30%, 40%, सो ऑन। जितना हम कैडमियम डालते जाएंगे उतना ये डिक्रीज होते जाएगा। क्या डिक्रीज होते जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, यानी एक ऐसी कंपोजिशन। और वो कंपोजिशन कौन सी है, वो कंपोजिशन ये है, ये जब आप बिस्मथ 60% लेते हैं और कैडमियम इसमें 40% ऐड होता है, तो 40-60 का जब रेशो आता है उस पॉइंट पे, उस कंपोजिशन पे बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम हो जाता है। उसके बाद में अगर आप कैडमियम की परसेंटेज बढ़ा देंगे, सपोज 41, 42, 43, तो ये मेल्टिंग पॉइंट फिर से इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज होने लगता है, ये मैं ऐसे समझा दूंगा, हम इसको यहां से देखेंगे। अब उल्टा देखो, ये मान लीजिए कैडमियम है, प्योर कैडमियम,
इसमें मैंने डाल दिया बिस्मत, क्या डाल दिया बिस्मत, 10% 20% 30% 40% 50% और ये 60%। जितना मैं इसमें बिस्मत डालते जाऊंगा इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझ में है ना, क्योंकि इम्प्यूरिटी डालने से सिस्टम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए ये है एक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ये मान लो कैडमियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 321। अब अगर इसमें मैं इम्प्यूरिटी डाल दूँ, सपोज मैंने इसमें डाल दिया बिस्मत यहाँ पे, तो बिस्मत का जो पार्टिकल स्ट्रक्चर होगा, साइज होगा, वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू कैडमियम। तो इस क्रिस्टल में बिस्मत जो है, कैडमियम के क्रिस्टल में बिस्मत का जो एटम है वो फिट नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठा तो इसका मतलब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये डिसरप्ट हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही, वही यहाँ पे भी हो रहा है, चाहे आप कैडमियम में बिस्मत डालो या बिस्मत में कैडमियम, दोनों सेंसेस में हम क्या करते हैं, ऐड इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। अगर हमने बिस्मत की इम्प्यूरिटी ऐड कर दी 0% से लेके 60% तक, तो ये मेल्टिंग पॉइंट बिस्मत का भी डिक्रीज होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। समझ में आ रही है बात, शाबाश, और बात क्लियर है ना, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो आता है वो आता है इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, जब बिस्मत 60% और कैडमियम 40% कंपोजिशन हमें मिलता है। क्लियर, समझ में ना, तो इस रेशियो में हमें, इसको मैं बोल सकता हूँ 3:2 रेशियो, ये 3:2 रेशियो में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम आ जाता है बिस्मत कैडमियम सिस्टम का। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब ये जो कर्व्स है, ये वाली कर्व, चलो इसका नाम रखता हूँ मैं यहाँ पे ए, और ये है बी, और ये है सी, समझ में आया ना, तो इस कर्व का नाम रखूंगा, इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं सी। अब ये जो कर्व है, ए सी कर्व या सी बी कर्व या बी सी कर्व, दीज कर्व्स कैन बी कॉल्ड एज फ्यूजन कर्व्स या मेल्टिंग कर्व्स भी बोल सकता हूँ। मेल्टिंग कर्व ऑफ कैडमियम, मेल्टिंग कर्व ऑफ बिस्मत, समझ में आया ना। इस टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो आपको मोल्टन मोल्टन बिस्मत और कैडमियम सॉल्यूशन मिलेगा, यानी पूरा मेल्ट मिलेगा ऊपर। नीचे जाएंगे तो आपको सॉलिड बिस्मत और सॉलिड कैडमियम जो वो मिलेगा, यहाँ पे सॉलिड कैडमियम, यहाँ पे सॉलिड बिस्मत मिलेगा, समझ में आ रहा, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। इन कर्व्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आप बिस्मत में इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, पहले जब प्योर बिस्मत था तो वो पहले इस मेल्टिंग इस पॉइंट पे फ्यूज हो रहा था, मेल्ट हो रहा था, ठीक, इम्प्यूरिटी ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो मैं इसको फिर मेल्टिंग पॉइंट करूं बोल सकता हूं। अब अगर हम अदर सेंसेस में लेंगे, देखो मैं यहां से आता हूं, यहां पे इसके नीचे जाएंगे तो फ्रीज होगा, हाई टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ये इस पॉइंट पे 321 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होना शुरू होगा। लेकिन जब इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करता हूं मैं कैडमियम में, तो इम्प्यूरिटी डालने से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होता है, यहां पे भी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इम्प्यूरिटी डालने से मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं, अगर हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो मैं बोलूंगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, और उसी चीज को अगर मैं लिक्विड से इधर वापस आऊं सॉलिड की तरफ मैं, तो इसको बोल सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन कर्व्स को आप मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व्स, एफपी कर्व्स, दोनों चलेगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बिस्मत, ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कैडमियम, या मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ कैडमियम। और ये जो पॉइंट है जहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट,
या ईजिएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। क्या कहते हैं? यूटेक्टिक पॉइंट, यानी इस सीध में ये जो आता ना ये पॉइंट, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। इसको मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट जो है ये है यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट। समझ में है ना? अब ये जो लाइन मैंने बनाई, ये लाइन क्या है? ये लाइन यूटेक्टिक की सीध में, यानी इसके नीचे हम एक एरिया लेते हैं। इस लाइन को मैं लिखूंगा सपोज डी और ई, यानी ये वो लाइन है जो हमें टेम्परेचर दिखाता है। ये टेम्परेचर दिखाता है दोनों तरफ से, और कौन सा टेम्परेचर? यूटेक्टिक के बिलो। यूटेक्टिक के बिलो क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे सिस्टम पे नजर डालेंगे, इस पूरे सिस्टम में आपको कुछ एरियाज नजर आएंगे। एक एरिया आएगा ए सी बी के ऊपर, यानी ये मोल्टन एरिया। दूसरा एरिया आएगा नजर आपको ये बी सी ई। तीसरा नजर आएगा ए सी डी, राइट। अब देखो इन एरिया को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा ये ए सी बी, इस एरिया में क्या है? इस एरिया में मोल्टन बिस्मिथ है और कैडमियम है, दोनों का सॉल्यूशन लिक्विड फेज है, दोनों आपस में मिसिबल है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें कंपोनेंट्स दो हैं लेकिन फेजेस कितने? एक। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ए सी बी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगा सी माइनस पी प्लस वन, यानी टू माइनस वन प्लस वन कितना होता है? थ्री माइनस वन यानी टू। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? फिर टू है, राइट। बात समझ में आ रही ना? इस एरिया में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है टू। अब और एक एरिया लेता हूं मैं, देखो एरिया लेता हूं मैं ए सी और डी, इसको हम समझेंगे पहले ए सी डी। इस एरिया में क्या है? देखो जो ही हम इस पॉइंट के नीचे आते हैं ना, तो कैडमियम जो है फ्रीज होना शुरू होता है, यानी यहाँ पे मोल्टन कैडमियम और बिस्मत है। लेकिन इसके बिलो आपको जो कैडमियम मिलेगा, सॉरी बिस्मत सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे जो बिस्मत मिलेगा, क्योंकि बिस्मत का मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हम जाएंगे तो बिस्मत सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसमें सॉलिड बी आई होगा, और दूसरा होगा इसमें यूटेक्टिक यानी मेल्ट। बात मेरी समझ लेना, मेल्ट होगा। कौन सा मेल्ट? ये मोल्टन बिस्मत कैडमियम दोनों। जब तक ना हम इस पॉइंट के नीचे आ जाएंगे, ये जो पॉइंट है ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसके नीचे जब जाएंगे तो आपको सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉलिड बिस्मत प्लस यूटेक्टिक यानी सॉलिड बिस्मत कैडमियम का मिक्सचर, राइट। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह से यहां पे इस पॉइंट के नीचे जब हम जाएंगे तो आपको मिलेगा सॉलिड कैडमियम प्लस क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा आपको मेल्ट, ठीक है। ये मेल्ट जो है ना, ये धीरे 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 करके सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब हो जाएगा, यानी इसमें कैडमियम जो है यहां से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे जब हम जाएंगे, यानी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही मिलेगा। अब इसके बाद में कोई मेल्ट नहीं होगा। लेकिन कौन सा सॉलिड होगा? एक तो सॉलिड कैडमियम होगा और दूसरा सॉलिड यूटेक्टिक होगा। यूटेक्टिक मतलब दोनों का मिक्सचर, राइट। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोल सकता मैं इसको मैं मिसिबल मिक्सचर नहीं बोल सकता, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही ना? तो ये याद रखना। अब बात समझ में आ गई ना? अब इसका मतलब ये जो है ए सी और डी, ए सी डी में एक तो सॉलिड बी होगा, दूसरा मेल्ट होगा, और मेल्ट में बिस्मत और कैडमियम दोनों होंगे। तो इसका मतलब यहां पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे दो, लेकिन फेजेस भी कितने होंगे? दो, एक तो सॉलिड फेज, दूसरा मोल्टन फेज, राइट।
इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होगा सी माइनस पी प्लस वन, दैट इज टू माइनस टू प्लस वन इक्वल टू वन, है ना। तो यहां पे भी बी सी डी में भी ऐसा ही हाल है, सॉलिड कैडमियम और मोल्टन। तो यहां पे बी सी डी में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इन एफ जो होगा वो वन के बराबर होगा। अब बात समझ में आ रही ना। अब डी सी ई जो है ये वाला एरिया डी सी ई, इसके नीचे क्या होगा? यहां पे तो हमारे पास में जो डी सी ई है इसमें अगर मैं देखूं इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं? दो, याद रखना। डी सी ई के नीचे कंपोनेंट्स कितने हैं? दो, सॉलिड कैडमियम और बिस्मत। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। डी सी ई के नीचे कंपोनेंट्स कितने हैं? दो दो कंपोनेंट्स हैं। और फेज कितने हैं? मैं बोलूंगा दो फेज। कौन सा? एक बिस्मत का फेज, दूसरा कैडमियम का फेज। यूटेक्टिक और सॉलिड बिस्मत का हम दो फेज नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे कि एक फेज है कैडमियम का, दूसरा फेज है बिस्मत का, क्योंकि कैडमियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, बिस्मत का अलग। तो कंपोनेंट्स दो और फेजेस दो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहां पे वन होगा। ठीक है, किसके नीचे? डी सी ई के नीचे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो भी वन होगा, राइट। और बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब ये जो कर्व्स हैं, दीज कर्व्स, यहां पे जो कर्व्स आ रही हैं, कौन सी कर्व्स? जैसे ए सी कर्व है एक, और बी सी कर्व है एक, या सी ई कर्व है, या सी डी कर्व है। आप कोई भी कर्व ले लो, आपको उसमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, दो फेजेस मिलेंगे, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे और दो फेजेस मिलेंगे। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको दो कंपोनेंट्स, दो फेजेस, यानी दो कंपोनेंट्स और दो फेजेस कर्व्स पे, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा फिर? यानी फिर यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, यानी टू माइनस टू प्लस वन, यानी वन। सो दीज आर यूनिवेरियंट। ये जो एरिया है बाईवेरियंट, राइट, ये एरिया है बाईवेरियंट, ठीक। बात मेरी समझ में आ रही ना? इस तरह से यहां पे चाहे ए सी डी लेंगे हम, बी सी डी, एरिया जो है ये बाईवेरियंट है। लेकिन अगर आपका ये जो कर्व है, कर्व आप अगर देखेंगे तो कर्व आपको मिलेगा मोनोवेरिएंट। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट? यूटैक्टिक पॉइंट। यूटैक्टिक पॉइंट पे आपको मिलेंगे फेजेस, सॉलिड बिस्मत, सॉलिड कैडमियम और लिक्विड। तो मैं बोलूंगा यूटैक्टिक पे, यहां पे यूटैक्टिक पे पॉइंट सी पे, यहां पे फेजेस होंगे तीन। कौन कौन सा? सॉलिड बिस्मत, सॉलिड कैडमियम और मोल्टन फेज, तीन फेज। और कंपोनेंट्स होंगे यहां पे दो। कौन कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट्स होंगे दो, यानी एक होगा कंपोनेंट बिस्मत, दूसरा कंपोनेंट होगा कैडमियम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे फिर? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, यानी थ्री माइनस टू, सॉरी टू माइनस थ्री प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इट इज इनवेरियंट। क्या है ये? इनवेरियंट। इनवेरियंट मतलब यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। एक जगह पे शायद मुझे कंफ्यूजन हो गया, वो मैं दिखा दूंगा वो पॉइंट कौन सा है। कंफ्यूजन यहां है, देखो ये चीज शायद आपको कंफ्यूज ना कर दे। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एरिया, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर, यानी ये एरिया ए सी बी, ए सी बी जो है ना, यहां पे आपको सिंगल फेज मिलेगा, एक फेज दो कंपोनेंट्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहां पे टू आएगा, यानी एफ इज इक्वल टू टू।
लेकिन ये जो एरिया है आपको मैं दिखा दूंगा दूसरे कलर से, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया, या ये एरिया, ये अंदर वाला एरिया, यहाँ आपको दो कंपोनेंट दो फेज दिखेंगे। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है होगा वन, ये याद रखना। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन, लेकिन इस एरिया में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टू दिखेगा। और इन कर्व्स के ऊपर, यानी ये जो लाइन्स है, लाइन्स के ऊपर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ही दिखेगा। समझ में आना? शाबाश। क्यों ऐसा है, यहाँ पे वन वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट भी दो है और फेजेस भी दो है। लाइन्स पे भी फेजेस दो, कंपोनेंट्स दो, सॉरी यहाँ पे जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये एरिया ए सी बी, ए सी बी में आपको कंपोनेंट्स होंगे दो लेकिन फेजेस होंगे एक, सिंगल फेज, तो इसलिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दो। लेकिन बाकी जो है, ये ले लो आप, ये कर्व्स ले लो या ये एरिया ले लो, ये दो एरिया या ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको कंपोनेंट भी दो और फेजेस भी दो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनमें वन वन होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होगा, और इस पॉइंट पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो मिलेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अगर बात फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो हम एक यहाँ पे फिर से एक फेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इस फेज डायग्राम को मैं अब फास्ट बना देता हूँ। इस फेज डायग्राम में हमको ये बिस्मत का कर्व मिल गया, ये मिल गया कैडमियम का कर्व, राइट। ये कैडमियम, ये बिस्मत, राइट। शाबाश। और इसमें हमें और एक चीज मिली, ये वाला पॉइंट और इसके साथ में ये लाइन, ठीक। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों है, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड, राइट। यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों है, राइट। देखो कंपोनेंट्स तो हर जगह दो दो है, कंपोनेंट्स दो दो है, कंपोनेंट्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। फिर बात किसकी करेंगे? बात करेंगे फेजेस की। यहाँ पे कंपोनेंट्स दो, फेज एक, यहाँ पे कंपोनेंट्स दो, फेज भी दो, यहाँ पे कंपोनेंट्स दो, फेज भी दो। अब आप सोचेंगे कि सॉलिड में कहाँ से दो फेज आ गए? ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड में आपको बिस्मत का सॉलिड और कैडमियम का सॉलिड, ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स और दो डिफरेंट फेजेस बनाएंगे, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, और फेज मीन्स माइक्रोस्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स दो, फेजेस एक, ठीक। अब जहां पे कंपोनेंट दो है और सॉरी फेजेस भी दो, जहां पे कंपोनेंट दो है और फेजेस भी दो, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा टू माइनस टू प्लस वन, यानी दैट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब यहां पे एफ होगा वन, यहां पे एफ होगा वन, यहां पे भी एफ होगा वन, राइट। अब जहां पे कंपोनेंट्स आ गए दो और फेजेस आ गए एक, तो वहां पे आएगा सी, यानी टू माइनस वन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू, शाबाश, टू। तो इसका मतलब यहां पे एफ आएगा टू, सो इट इज बाइवेरिएंट। अब ये जो लाइन्स है, दीज कर्व्स, इन कर्व्स पे आपको देखो, यहां पे ऊपर लिक्विड, नीचे सॉलिड लिक्विड, और कंपोनेंट्स तो दो है ही, तो यहां पे आपको दो कंपोनेंट्स, दो फेजेस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा फिर? एफ इज इक्वल टू वन। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब देखो और एक चीज बताऊंगा मैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने सपोज फेज डायग्राम बनाया। फेज डायग्राम में अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कूलिंग कर्व क्या होगी। ये है फेज डायग्राम ऑफ बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। सपोज मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं, इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, इस पॉइंट से शुरू करता हूं, ये पॉइंट है एक्स। आपको क्या लगता है कि यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? ये बिस्मथ के ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर एक कर्व है,
तो इस पॉइंट में जाहिर सी बात है सिर्फ मेल्ट होगा, लिक्विड होगा, है ना, लिक्विड। जब हम यहां पे आएंगे तब भी लिक्विड, यहां पे आएंगे तब भी लिक्विड, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहां पे बिस्मथ सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। मैं इस पॉइंट को बोलूंगा वाई पॉइंट, समझ में आया ना, शाबाश। सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, यानी यहां पे पहले कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, बाद में यहां पे कुछ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक बिस्मथ सॉलिडिफाई हो जाए, उसके बाद में फिर से कूलिंग होना शुरू होगी। ठीक, हम पहुंचेंगे यहां पे इस पॉइंट पे, बिस्मथ हो रहा है सॉलिडिफाई, अभी कैडमियम लेकिन बाकी है, कैडमियम जो अभी लिक्विड फॉर्म में ही है। जब हम इस पॉइंट के नीचे पहुंच जाएंगे, यानी इस लाइन के नीचे, ये वाली लाइन जो है जिसको आप यूटेक्टिक लाइन कहते हैं, यानी इस यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे की जो लाइन है, इधर पहुंचेंगे तो यहां पे आपको पूरा सॉलिडिफिकेशन मिलेगा जेड पे। यहां पे जेड के नीचे जब हम जाएंगे तो पूरा सॉलिड मिलेगा और ये सॉलिड अब कूल होना शुरू होगा, सपोज एम तक, राइट। यानी पहले कूलिंग, फिर कुछ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, फिर से कूलिंग, फिर कुछ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, फिर से कूलिंग। बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को सपोज नाम रखता हूं मैं पॉइंट, सपोज एन पॉइंट, एन, इस एन पॉइंट पे मुझे आप बताओ कि रेशो क्या होगा, बिस्मथ कितना होगा, सॉलिड बिस्मथ और सॉल्यूशन कितना होगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है, वो ये है, हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे यहां पे टेम्परेचर एक्सिस के साथ, ठीक, जहां पे टेम्परेचर को मैच करता है उसको रखेंगे एल नाम, एल से एन, और एन से लेके यहां तक हम रखेंगे इसको ओ, समझ में आ रहा। अब अगर मुझे देखना है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा, इस पॉइंट पे कंपोजिशन क्या होगा, तो मैं एक रूल से निकाल सकता हूं, एक लॉ है, एक रूल है, रूल उसको बोलते हैं लीवर रूल, क्या बोलते हैं उसको, लीवर रूल। तो लीवर रूल के मुताबिक मुझे जो अमाउंट ऑफ बिस्मथ प्लस अमाउंट ऑफ मेल्ट निकालना होगा, यानी बिस्मथ कितना होगा यहां पे और मेल्ट कितना बाकी होगा, मेल्ट मीन्स बिस्मथ कैडमियम का मिक्सचर और बिस्मथ मीन्स सॉलिड बिस्मथ यहां पे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा अमाउंट ऑफ ऑफ सॉलिड बिस्मथ, ठीक है, या बिस्मथ, बिस्मथ बोलूंगा मैं, बिस्मथ कितना है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ मेल्ट, तो वो बराबर होगा एल एन, एल से एन तक डिस्टेंस जो है यहां पे लिखी मैंने, डिवाइड बाय एन ओ, एल एन डिवाइड बाय एन ओ, यानी यहां से यहां तक डिवाइड बाय यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है। अब ये जो लाइन है, दिस लाइन, इसको हम कहते हैं टाई लाइन, क्या कहते हैं, टाई लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड टाई लाइन, याद रखना। इस रूल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लीवर रूल, यानी अगर आपको किसी पॉइंट पे कंपोजिशन निकालनी है तो आप पहले उसका लिक्विड कूलिंग करो, बनाओ कूलिंग लाइन, बनाओ कूलिंग लाइन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता देगी कि इसमें कौन सी कंपोजिशन कितनी होगी, बिस्मथ कितना होगा और मेल्ट कितना होगा। इस लाइन को हम कहते हैं टाई लाइन और इस रूल को कहते हैं लीवर रूल, ये हमें बिस्मथ और मेल्ट का कंपोजिशन बताएगा। बात समझ में आ रही ना, तो आई होप ये जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सकता मैं ये दोबारा भी बना दूँ। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बात याद रखना, ये जो इसका बिस्मथ कैडमियम का यूटेक्टिक पॉइंट रहता है, यानी लोवेस्ट पेनल्टिंग पॉइंट, यानी 40-60 कंपोजिशन पे वो रहता है 144 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 144 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ठीक है। चलो आज इतना ही।